तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म से सियालदह जाने की ट्रेन खुल चुकी है, और अब 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे टिकट काउंटर है, यहाँ दोनों तरफ टिकट काउंटर है। और अंडरग्राउंड के बारे में चलिए आपको दिखा देता हूँ सब भी यहाँ का कैसा है। और अगर यहाँ पे आप डाउन में जाओगे तो बिलगड़िया, दमदम, विधाननगर, सियालदह लाइन आपको मिलेगी, और अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पे अप है, सोदपुर मिलेगा। और अभी आप देख सकते हो कल्याणी सीमांतो लोकल यहाँ से खुल चुकी है, और ये लाल गोला पैसेंजर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो आज रुक गई यहाँ पे। तो चलिए अभी मैं ट्रेन इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी ट्रेनें रुकती है, नहीं रुकती है। तो इस वीडियो में आगरपाड़ा का ब्लॉग मैं लेकर आया हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे मंदिर है और ऑटो स्टैंड भी आपको सामने ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टेशन में एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेशन में क्या क्या है और सभी कुछ बताया भी जाएगा। तो यहां पे आप एक और मंदिर देख सकते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहां पे टिकट काउंटर भी है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाती है। तो यहां पे मैं प्लेटफॉर्म वाइज भी सब कुछ दिखाऊंगा आपको कि यहां पे क्या क्या है। आप यहां पे देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि आगरपाड़ा स्टेशन में आपका स्वागत है। सो वीडियो में बने रहे, नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, शेयर करो और सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करो, यस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इधर आप देख सकते हैं ये डाउन लाइन है, 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, और ये जो है अप लाइन है, और यहाँ पे ओवरब्रिज है जो एक बन रही है, तो इसका भी अपडेट मैं दे रहा हूँ कि एक नया ओवरब्रिज जो है वो बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरपाड़ा का बोर्ड है, जो आगरपाड़ा इंग्लिश, हिंदी, बंगाली में लिखा हुआ है। तो अभी सब कुछ मैं बताऊंगा, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेन इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है, नहीं रुकती है, कैसी है, नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहे, अप जाने पे कौन सा स्टेशन आएगा, डाउन जाने पे कौन सा आएगा, सब कुछ बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन जा रही है, से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी एक सियालदह जाने वाली ट्रेन जो है खुल चुकी है। तो ये सियालदह जाएगी, ये आई थिंक बैरकपुर सियालदह लोकल है। और आप देख सकते हैं उस पार 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी एक टिकट काउंटर है। तो अभी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप ट्रेन की चलने की फीलिंग्स को ले लें, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो वो ट्रेन जो है चली गई है। तो और इस साइड मैं आपको लेकर आता हूँ, इस साइड आप देख सकते हो ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये जो देख रहे हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको उस पार भी टिकट काउंटर मिल जाता है, तो आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आओ या 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आओ, आपको दोनों तरफ टिकट काउंटर मिल जाएगा। और इस साइड आप सबवे देख सकते हो, अंडरग्राउंड है। सो मैं सोच रहा हूँ आपको अंडरग्राउंड भी दिखाऊँ, तो यहाँ पे चलिए अंडरग्राउंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक आप इस साइड देख सकते हो, इधर ये सियालदह की लाइन है, अगर आप जाओगे आगे तो यहाँ पे बेलघरिया स्टेशन आएगी। सो आगरपाड़ा के डाउन में बेलघरिया स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगी, और अप में क्या मिलेगी आपको बताना है, यस, सोदपुर मिलेगा। और जो जो लोग आगरपाड़ा से हो, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मैं आगरपाड़ा रेलवे स्टेशन से हूँ। तो चलिए अभी हम लोग सबवे में चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। सबवे बड़ा ही साफ सुथरा लग रहा है आगरपाड़ा का। सो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग आएंगे तो आप सबवे का भी यूज कर सकते हैं, आपको ओवरब्रिज भी मिल जाएगा, सबवे भी मिल जाएगा, तो सभी तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए वंस अगेन हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आपको लेकर चलते हैं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आप लोग को लेकर चलते हैं सबवे से निकल कर। मुझे सबवे दिखाना था, मैंने दिखा दिया, और फिलहाल मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे निकल चुका हूँ, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, ये जो लाइन है, ये डाउन लाइन है, जो बेलघरिया, दमदम, विधाननगर, देन सियालदह को तरफ जाती है। और उधर आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म अभी आपको दिखाई दे रहा है। और उधर आप जाएंगे तो उधर आपको सोदपुर स्टेशन मिलेगा अप में, जहाँ बैरकपुर लोकल, बैरकपुर, नहटी, कल्याणी, रानाघाट, कृष्णानगर, गेदे सब इसी तरफ है, बैंडेल भी उसी तरफ जाएगी। तो और ये नया ओवरब्रिज जो है अभी बन ही रहा है। सो देख लीजिए, स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा ही लग रहा है। यहाँ पे आपको फूल का दुकान भी मिल जाएगा ओवरब्रिज के नीचे, मार्केट भी बगल में, हर स्टेशन के बगल में मार्केट होता ही है। तो यहाँ पे आप गार्डन का देख सकते हैं, और 1 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आप निकलोगे तो आपको गार्डन भी मिल जाएगा, सॉरी मार्केट मिल जाएगा, उसमें गार्डन सब कुछ होगा, फूल का दुकान भी है, मार्केट भी है। चलिए अभी हम रेल लाइन क्रॉस करते हैं, बट आप ओवरब्रिज का यूज करें, हम लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं, बट आप ऐसे पार ना करें, खतरा हो सकता है। मेरे इस खतरे को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टेशन है, साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन दिख रहा है, मुझे तो बहुत
जेन्युइनली जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ये जो है ऑफलाइन है, उधर मैं डाउनलाइन दिखाया उस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से मैं अपलाइन दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए मैं पूरा स्टेशन घूमता हूँ। तो इस एफर्ट के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करके सभी शेयर करो और कमेंट करो आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टेशन पर, किस ब्लॉक पर, किस स्टेशन का वीडियो चाहिए। और अगर आप लोग आगरपाड़ा से तो कमेंट जरूर करके बताना आप लोग आगरपाड़ा से हो, ठीक है। सो अभी आपको देख रहे हैं कि ये जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी आपको दिखेगा ये कल्याणी लोकल है, जो सियालदह कल्याणी लोकल है, अभी कल्याणी की तरफ रवाना होगी, जस्ट अभी रुकी हुई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से और ये चल पड़ी है और ये कल्याणी जाएगी। तो मैं अभी बोलना बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग आवाज़ जो चल रहा है वो आप लोग ले सको, फीलिंग्स को ले सको ट्रेन चलने की। तो ये है ट्रेन चलने की फीलिंग्स, तो बहुत ही अच्छा फील होता है आप लोग सुनो। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लालगोला कोलकाता मेमू जो है आ रही है, जो कि आगरपाड़ा में कभी कभी रुकती तो नहीं है, बट आज शेड्यूल्ड है रुकने का, तो ये आज आगरपाड़ा में भी रुकेगी। जब मेमू ट्रेनें होती हैं ना तो वो बहुत जगह रुक जाती है, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें नहीं रुकती है आगरपाड़ा में, ये मेमू है, इसी वजह से ये ट्रेनें यहाँ पे रुक जाएगी। ये लालगोला कोलकाता मेमू है जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है अभी। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए और कुछ चेंजेस करना हो वो सब भी आप लोग बताना और शेयर ज़रूर करना ताकि बहुत सारे लोग को देख पाए और जो लोग आगरपाड़ा से उनको ज़रूर शेयर करना। सो ये लालगोला पैसेंजर जो आई थी वो भी चली गई है कोलकाता जाएगी, ये दमदम से कॉट होकर कोलकाता लाइन पर चली जाएगी। सो दमदम का भी वीडियो बना हुआ है वो भी आप लोग ज़रूर देखें, बेलगड़िया का भी बना हुआ है, सोदपुर का भी बना हुआ है, ये आगरपाड़ा का भी अभी बन गया है। तो सारे सभी वीडियो मैं बनाता ही जा रहा हूँ, आप लोग सभी देखते रहे, प्यार बरसाते रहे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और ट्रेन यहाँ पे आ गई है जो कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो यस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप नॉर्मली देखो नैहटी माझेरहाट लोकल ही आती है, तो ये माझेरहाट लोकल ही है, नैहटी से माझेरहाट को जाने वाली है। तो बस ये आपको ट्रेन देख ली और मैं अभी आपको चलिए बता देता हूँ कि इस स्टेशन पे कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है नहीं रुकती है। ट्रेन के बारे में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी स्टेशन पे ट्रेन ही चलती है, तो ट्रेन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको ट्रेन के बारे में ही बताऊँगा, तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। चलिए ट्रेन के बारे में बता दूँ। सो अभी मैं ट्रेन का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकल ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे सभी तरह की लोकल ट्रेनें आपको मिल जाएंगी और कुछ गैलोपिंग लोकल ट्रेनें होती है जो आगरपाड़ा में कभी कभी नहीं रुकती है, उसके अलावा सभी तरह की लोकल ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। अगर आप सियालदह से आगरपाड़ा आना चाहते हो तो आप कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ लो जो दमदम से मेन लाइन में होकर आती है, वो ट्रेन आप पकड़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैरकपुर, नैहटी, बैंडेल, कल्याणी, रानाघाट, कृष्णानगर सिटी, गेदे लोकल, शांतिपुर लोकल, ये सब लोकल आप जो भी पकड़ो आपको आगरपाड़ा में उतार देंगे। देख लेना कोई गैलोपिंग नहीं है ना, गैलोपिंग होती है तो वो आगरपाड़ा में कभी कभी नहीं रुकती है। बात किया जाए मेमो ट्रेन के बारे में, तो मेमो ट्रेन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस ये लालगोला मेमू ही इस रूट पे चलती है, तो वो आपको आगरपाड़ा में कभी कभी देखने को मिल जाएंगी। बस आप लोग पता कर लेना ये रुकेगी कि नहीं अगर आप मेमू पे आ रहे हो तो। और चलिए अभी बात करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता दूं कि आगरपाड़ा में कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, जो भी ट्रेनें हैं वो आगरपाड़ा को स्किप करके जाती है, सियालदह हो या कोलकाता से जो भी ट्रेनें आती है वो डायरेक्ट नैहटी जंक्शन में रुकती है, कुछ ट्रेनें बैरकपुर में रुकती है, हाँ बट नैहटी में सभी रुकती है। तो नैहटी का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो बता दो, मैं अपलोड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, बैरकपुर का ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और यहाँ पे सियालदह से आपको हर 10-15 मिनट में ट्रेनें मिल जाएंगी क्योंकि सभी तरह की लोकल ट्रेनें जो मेन लाइन से जाती है यहाँ पे आती है। आप लोग जो है ये सब लोकल मत पकड़ लेना, लाइक हसनाबाद लोकल, हाबड़ा लोकल, दत्तपुर लोकल, बोनगा लोकल, फिर से
बारासात लोकल, बोनका लोकल, ये सब मत पकड़ लेना, और इधर से आपका डानकुनी लोकल मत पकड़ लेना। ये ट्रेनें आपको आगरपाड़ा में नहीं ले जाएंगी। उसके अलावा बैरकपुर लोकल, नहट्टी लोकल, गेदे लोकल, शांतिपुर लोकल, कृष्णानगर सिटी लोकल, रानाघाट लोकल, कल्याणी लोकल, कल्याणी सीमांतो लोकल, आप कोई भी ट्रेन पकड़ लो या कल्याणी सीमांतो, तो आपको आगरपाड़ा में उतार दिया जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आगरपाड़ा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं, हम आपको सभी डिटेल आपको बता देंगे रिप्लाई के माध्यम से। अगर आप आगरपाड़ा से हो तो ज़रूर बताना, और अगर किसी भी स्टेशन से हो तो ज़रूर बताना, और उसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा। जो वीडियो आपको चाहिए आप वो भी बता देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो तो, और दोस्तों के संग वीडियो को शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक करके प्यार बरसाइए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोज को भी आप लोग देखें घर बैठे, सभी स्टेशंस ट्रेन जर्नी का मजा ले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।